गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में रविवार को करीब लाखों लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति की मान्यता इस वर्ष 15 जनवरी को है। उदया तिथि की मान्यता होने के कारण सोमवार को ही मकर संक्रांति स्नान का पुण्य मिलेगा। माघ मेले में पुलिस में पैरामिलिट्री पुलिस के जवान, पीएसी बाल और अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी के माध्यम से पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। माघ मेले के पहले स्नान पर्व मकर संक्रांति को लेकर मेला क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। संगम क्षेत्र में पुलिस जवानों को रविवार से ही मुस्तैद भी कर दिया गया है। माघ मेले में पुलिस व होमगार्ड के करीब 3,500 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। इनमें आरएएफ के जवान भी शामिल हैं। क्योंकि इस बार इस माघ मेले को 2025 में लगने वाले कुंभ का रिहर्सल भी माना जा रहा है, इसके मद्देनजर इस बार माघ मेला हर बार की अपेक्षा खास होगा। इस पूरे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। घाटों पर भी जल पुलिस की चौकियां बनाई गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम हर घाटों पर मौजूद है। मेले में 14 थाने और 41 चौकियां की स्थापना की गई है। महिलाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण महिला पुलिस बल भी पूरे मेले में तैनात है। बॉडी वॉर्न कैमरे से भी इस मेले की निगरानी की जा रही है। अगर कोई बिछड़ जाता है तो खोया पाया केंद्र की व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति का स्नान प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो चुका है और लाखों लाख श्रद्धालु संगम घाट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं। एक व्यापक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जो श्रद्धालु यहां पर संगम घाट पर या अन्य स्नान घाटों पर आएँ, कम से कम उनको पैदल चलना पड़े, इसलिए माघ मेले क्षेत्र के अंदर पार्किंग की व्यवस्थाएँ, जिसको हम लोग हेलीपैड पार्किंग, प्लॉट नंबर 17 की पार्किंग, गल्ला मंडी की पार्किंग, कछार की पार्किंग कहते हैं, वो सब क्रियाशील हैं। ये सारी पार्किंग माघ मेले क्षेत्र के अंदर की पार्किंग है। साथ ही साथ जल में सुरक्षा देने के उद्देश्य से डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, जाल लगाया गया है। बोटों का संचालन, आपस में कोई बोट आपस में न लड़ें, इसलिए 2 किलोमीटर से लंबी रिवर लाइन डाली गई है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि नाव को इधर इस तरफ से आना है, दूसरी तरफ से जाना है। साथ ही साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम सारे नाव पर बैठने वाले श्रद्धालुओं से अपील भी कर रहे हैं और सुनिश्चित भी करा रहे हैं कि वो सारे लाइफ जैकेट्स धारण करें। एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना भी जल में की गई है, वहाँ पर एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो लगातार उस चौकी पर रहकर जल में होने वाली गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। जल में सुरक्षा के लिए फ्लड कंपनीज़ के जवान, प्रशिक्षित गोताखोर, जल पुलिस के लोग, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जहाँ तक ये हमारा, इसके अलावा महिला श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए महिला पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं और सादे कपड़ों में भी महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी दे रही हैं। एंटी क्राइम टीम भी सक्रिय है, एटीएस के कमांडोज, आरएएफ की टीम, वो भी संगम क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भ्रमणशील है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे माघ मेले क्षेत्र में नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरों का प्रयोग हम लोग आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं और इस प्रकार सारी गतिविधियाँ लगातार सुचारू रूप से चल रही हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी हम श्रद्धालुओं को आवश्यक संदेश, आवश्यक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सर, कितने लोग स्नान करेंगे इस पर्व? अभी तक का अगर एक मोटे आंकड़े की बात हम करते हैं तो लगभग प्रातःकाल से 2 लाख से अधिक लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। यदि मकर संक्रांति का पर्व आज है, ग्रहों की दशा के, सूर्य की दशा के अनुरूप, लेकिन कल भी 14 जनवरी लोग खिचड़ी का पर्व मानते हुए कल भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, लगभग 8 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने कल भी स्नान किया था। आज लगभग कितने लोग कर सकते हैं, क्या अनुमान है आपको? अब ये तो संख्या जो है शाम तक स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से लोग लगातार आ रहे हैं उससे उम्मीद है कि संख्या लाखों लाख की होगी।